सबसे बड़ा एक्सीडेंट है बजाज ऑटो। जी हाँ, लेटर हाफ में जबरदस्त बिकवाली बजाज ऑटो के शेयर में देखने को मिली है और क्लोज टू क्लोज देखोगे तो 4.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। कारण, बोर्ड ने बायबैक प्रस्ताव को टाल दिया। जी हाँ, 14 जून यानी कि आज की तारीख रखी गई थी जब बोर्ड फैसला लेता बायबैक पे, और ये 22 साल बाद बायबैक हो सकता था, बजाज ऑटो अनाउंस कर देती, लेकिन कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आ गई बिल्कुल विपरीत, जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, कि बायबैक का प्रस्ताव टाल दिया गया है। कंपनी के अनुसार अभी बायबैक प्रस्ताव पर और विचार करना होगा। अचानक बायबैक ऑफर को टालने से निवेशकों का जो कॉन्फिडेंस है वो आज बहुत डगमगाया है। और देखिए, खबर बहुत बड़ी थी क्योंकि बजाज ऑटो ने पहले ही बोला था कि वो 14 जून को जो बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं उसका मुख्य एजेंडा ही यही था कि बायबैक पर कंपनी विचार करने जा रही है, बोर्ड फैसला ले सकता है। लेकिन आज जो ये खबर आई कि उन्होंने बायबैक का प्रस्ताव टाल दिया है, उसके बाद तो जो शेयर की पिटाई होनी शुरू हुई। शेयर में आज के दिन का जो हाई लगा है वो है 3,915.75 रुपये का। दिन का निचला स्तर जो छुआ है वो है 3,602.95 रुपये का। ऊपरी स्तर से देखेंगे तो लगभग 5.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है, क्लोज टू क्लोज 4.5% टूटा है। एक खबर जो बाजार बंद होने के बाद आई है वो भी एक्सचेंजेस पे ही आई है कि शेखर बजाज ने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। तो ऐसा तो कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे आज के सत्र में निवेशक। और आप देखें तो फ्यूचर्स भी डिस्काउंट पे कर रहे हैं कामकाज। बजाज ऑटो कैश मार्केट में जो आज की क्लोजिंग है वो है 3,693 की, गिरावट लगभग 4.5% के आसपास की। लेकिन अगर जून वायदा कारोबार देखोगे, जून वायदा फ्यूचर्स, तो 3,529 की क्लोजिंग है, लगभग 5.5% गिरा है जून वायदा। 164 अंकों के डिस्काउंट पे जून फ्यूचर्स कर रहे हैं कामकाज। जबरदस्त बिकवाली और मूड खराब हुआ है आज के सत्र में ऑटो सेक्टर का, निवेशकों का भी। और कई ऐसे स्टॉक्स बजाज ऑटो के साथ साथ ही टूटते चले गए, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प।